खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए कैलाश चंद शर्मा जी हैं, टैक्स एडवाइजर हैं, ए के मिश्रा जी हैं, ये व्यापार सलाहकार हैं। एक बार फिर से दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश चंद जी, जो माना जा रहा था कि हर किसी को छूट मिलेगी, वो छूट ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। ग्रामीण इलाके पे जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाके पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है। सरकारों को पहले भी कहा जा रहा था और बीजेपी सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहा था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की ये सरकार है, और विपक्ष इसको लेकर निशाना साध रहा था कि ये ग्रामीणों की या मध्यम वर्ग है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। क्या उसके मद्देनजर जो विपक्ष इनको घेर रहा था, क्या इन्होंने अब की ग्रामीण इलाके, किसान, इस सब पर फोकस किया? जी बिल्कुल, यूपीए बिल्कुल खात्मा पर चल रहा है, सभी जानते हैं, और विपक्ष कोई भारी भरकम दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो संजीवनी बूटी दे रहा था विपक्ष को, और किसानों को ये सब घोषणाएं करके कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष की कमर तोड़ने की कोशिश की है। क्योंकि जो लैंड बिल का मामला था उसमें राहुल गांधी ने उस बिल को रुकवाया था, और अभी भी वो आंदोलनरत हैं किसानों को लेकर के। तो सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, जो 2019 का चुनाव में दोबारा आने के ख्वाब देख रही है, उनके लिए ये पहली प्राथमिकता थी कि सबसे बड़ा जो आंदोलन के रूप में उनके संकट आ सकता है उसको रोका जाए, उसे रोकने का प्रयास किया गया। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी कि हाँ, अभी आंकड़ा दिया है जेटली साहब ने कि 275 टन का उत्पादन हुआ है, लेकिन हकीकत और जो सरकार घोषणाएं कर रही है वो वास्तविकताओं में बहुत फर्क है। हमारा जो राजकोषीय जो हमारा ये क्या नाम है इसका, जो हमारा प्रॉफिट दर है, वो पिछले 5 सालों के सबसे निम्न दर स्तर पर आया हुआ है। तो अगर ग्रामीण और किसान आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहे होते तो हमारे शायद ये नहीं होता है। ये नहीं होता, बिल्कुल आर्थिक तौर पर किसानों का बड़ा एक सहयोग होता है बिल्कुल आर्थिक विकास में, अगर किसान ही कमजोर होंगे, क्योंकि 60-70% किसानों की आबादी है यहाँ पर। ए के मिश्रा जी, जिस तरह से हम जिक्र लगातार कई दिनों से कर रहे हैं, किसान सबसे ज्यादा नाराज है। किसान, आपने सपने दिखाए किसानों को कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे अगर हमारी सरकार बनेगी, किसानों की कर्ज माफी होगी, वाजिब फसलों के दाम होंगे, लेकिन 4 साल में किसान इतना ज्यादा नाराज है। आपने देखा जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर गुस्सा फूटा, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। क्या 60-70% आबादी को साधने की कोशिश कर रही है सरकार? नहीं, देखिए ये 101% ये बात सही है, लेकिन इसको पॉलिटिकल व्यू भी, मतलब पॉलिटिकल रंग भी हमें राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी देश का पूरा एकीकृत वे में अगर आप विकास की बात करें, दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रो और कैपिटल, स्टेट कैपिटल को आपने डेवलप कर दिया, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और जितने भी बेनिफिट हैं वो सब तक पहुंचे। 60% पॉपुलेशन या 60% मार्केट साइज अगर आप देखेंगे इंडिया का, तो आपके रूरल इंडिया में है, तो अगर वहां का डेवलपमेंट हो रहा है और उससे किसान को भी फायदा मिलेगा, अगर रोड बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी। इन्होंने ये बोला है कि ये नए हार्ट बनाने के लिए जो इन्होंने 22,000 जो है रूरल हार्ट जो है इन्होंने डेवलप किया है, अगर ये रूरल हार्ट वहां पे बनते हैं, देखिए बेरोजगारी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर 22,000 रूरल हार्ट अच्छे तरीके से गवर्नमेंट बना देती है फ्यूचर में, तो अपने आप में वो वहां के लोगों को रोजगार देगी। अच्छा, दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो जब डेवलप होगा, तो आपका जो ये मास माइग्रेशन होता है कि लोग गांव से जो है भाग रहे हैं शहर की तरफ, उनके यहाँ खेत पड़े हुए हैं, खेती नहीं करना है। तो ये एक गवर्नमेंट का, ये भी देखिए बड़ा विजनरी स्टेप है, मैं गवर्नमेंट का बोलूंगा, अगर सारी फैसिलिटी गांव में मिल जाए तो ये पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन है वो भी रुकेगा। और इसमें कई चीजों का समाधान होगा, एक तो पलायन रुकेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, अगर किसान लगातार खेतीबाड़ी से दूर होते जा रहे हैं, अगर खेतीबाड़ी पर ये ध्यान देंगे कि मिश्रा जी, तो खेतीबाड़ी में लोग लगेंगे, अगर फसलों का वाजिब दाम मिलेगा तो फिर वो दूसरा काम क्यों करेंगे? जो किसानों के बच्चे हैं, जो किसान लोग हैं, असल में किसान क्या है, अब नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी खेतीबाड़ी करें। उसकी एक वजह यही है कि उनको फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलता, लगातार घाटा वो सह रहे हैं कि मिश्रा जी। लेकिन अगर अब सरकार इसकी तरफ फोकस करती तो कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा अपने आप में। नहीं देखिए, किसानों को जो वाजिब दाम नहीं मिलते हैं और कंटिन्यूअस वो जो सुसाइड कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ बड़े टेक्निकल प्रोसेस और रीजन है। मैं बोलता हूँ, जब एग्रीकल्चर जो है वो सर सीजनल होता है, जैसे ठंड में आलू पैदा होगी
तो पूरे देश में आलू पैदा होगी तो उस वक्त सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऑटोमेटिकली मतलब जितनी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई हो जाती है। इसका फायदा कौन उठाते हैं? इसका फायदा बीच वाले जो आढ़ती हैं वो लोग उठाते हैं, और वहां पे खुद जो बेचेंगे चार महीने, क्योंकि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो खरीद के रख लेते हैं, चार महीने बाद गर्मियों में जब आलू की डिमांड आती है तो उसी चीज को वो डबल ट्रिपल दाम पे बेचते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे आपके रूरल, स्टोरेज की होगी, ट्रांसपोर्टेशन की होगी, इन्होंने टेक्निकल सपोर्ट मतलब कम्युनिकेशन जो चाहिए रूरल एरिया में, देखिए बहुत सारे गांवों को ये इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, वाईफाई फैसिलिटी दे रहे हैं, किसानों के लिए जितनी जानकारी है वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल कराएंगे। ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम है कि किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलता है जिसके कारण वो घाटे में जाते हैं और अपने लोन वगैरह नहीं चुका पाते हैं, तो ये सारी समस्या का समाधान एक ही चीज में निकल आएगा कि आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दीजिए। उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो है फैसिलिटीज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट में प्राइसेस में क्या उछाल आ रहा है, कब डिमांड है, ये सारी चीजें अगर उनको पता रहेगी तो उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलिए, हम चाहते हैं कि जनता भी हमारे खास कार्यक्रम से जुड़े, फोन लाइन हम खोलेंगे और उस पर आम जनता भी अपनी राय रख सकती है, लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि उनकी क्या राय है। आम बजट जो पेश किया गया है क्या उनके उम्मीदों पर खरा उतरा? क्या आम बजट आम लोगों की पसंद है? क्या बहुत कुछ इसमें छूट गया या फिर सधा हुआ बजट पेश किया? क्या ये जो माना जा रहा था कि चुनाव नजदीक है, कई राज्यों में चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव 2019 भी सिर पर है, उस लिहाज से काफी लुभाना बजट होगा, लुभाने वाला बजट होगा, क्या वो बजट नहीं है? कितना आम जनता की उम्मीदों पर खरा ये बजट उतरा, इसको लेकर हम नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। मैं आऊंगा मिश्रा जी, उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं हमारे दर्शक और अपनी राय भी रख सकते हैं कि कहां उनको कमी दिखाई दे रही है, और साथ ही हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास है, किस वर्ग के लिए क्या कुछ किया गया है। तो नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए कि आखिर आपको कहां कमी बजट में होती दिखाई दे रही है, क्या आपकी उम्मीदों का ये बजट था, जो केंद्र सरकार से आपको उम्मीदें थी क्या उन उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबरों पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, क्या वास्तव में ये बजट जो है वो अच्छा है, क्या अच्छे दिन आ पाएंगे इस बजट के आधार पर। जब भी आप हमसे बातचीत करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद रखिए या फिर आप टीवी से दूर जाकर हमसे बातचीत करिएगा। कैलाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। में आरिफ खान जी और शुक्ला जी ने ये अभी बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया कि पलायन, किसानों का गांव से जो शहरों की ओर पलायन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट ने सरकार ने अभी बजट में किया है 2000 करोड़ ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का के डेवलपमेंट पर जोर दिया जाना, क्योंकि अभी तक परंपरागत फसलों का कर रहे उत्पादन करने के कारण जो किसान है वो उभर नहीं पा रहा है, उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो ये सबसे बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग का फॉर्मूला आ सकता है उनके उद्धार के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, और जैसा कि 2000 करोड़ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए आई है बात, तो ये जो कदम है उनको कहीं ना कहीं उनके पलायन को रोकने में सक्षम होगा। और जैसा कि पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड में है जहाँ अभी चकबंदी की समस्याएं हैं, चकबंदी जैसा बातें भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, चकबंदी के विषय में अभी कुछ नहीं आया है जिसके कारण किसान भटक रहे हैं कि कई खेती छोटी छोटी खेतियां उनकी जगह जगह बटी हुई हैं जिसके कारण वो पूरा उत्पादन नहीं कर पाते हैं, तो ये पलायन को रोकने के लिए चकबंदी पर भी अगर गवर्नमेंट बात करती तो बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, अगर इसको लेकर भी चकबंदी की जाती तो शायद बेहतर होता। हम कांग्रेस के नेताओं से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी राय लेंगे कि उनको विपक्ष को कैसा बजट जो है वो लग रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष काफी तारीफ कर रही है तो विपक्ष क्या इस बजट को लेकर सोच रहा है, इसको लेकर भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं से भी फोन लाइन पर हम राय लेंगे कि कांग्रेस के नेता क्या कुछ सोच रहे हैं बजट को लेकर। लगातार हमारे सहयोगी संपर्क कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के नेता अभी समझ रहे हैं कि बजट में क्या कुछ है, उसके बाद बोलने को वो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे सहयोगी लगातार संपर्क कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष की भी हम राय लेंगे, आम लोग भी इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं कि क्या कुछ इसमें खास है। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार हमारे फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए कि क्या कुछ खास है इस बजट में।
चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको लोकसभा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। इसमें अरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग, उस पर भी फोकस किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा सेविंग्स, 21वीं सदी के भारत के लिए न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हेल्थ एश्योरेंस, यह सभी ईज ऑफ लिविंग की दिशा में ठोस कदम है। हमारे देश के किसानों ने खाद्यान्न और फल सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन करके देश के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है। किसानों की स्थिति को और मजबूत करने के लिए और उनकी और आय को और बढ़ाने के लिए और उस दिशा में इस बजट में अनेक कदम प्रस्तावित हैं। गांव और कृषि क्षेत्र के लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन इस बजट में किया गया है। 14.5 लाख करोड़, 51 लाख नए घर, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, लगभग 2 करोड़ शौचालय, 2.25 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन, इसका सीधा लाभ दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित ऐसे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए अपने भाई बहनों को मिलेगा। ये ऐसे कार्य हैं जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अपने साथ रोजगार के नए मौके भी लेकर के आने वाले हैं। किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलवाने की घोषणा, मैं वित्त मंत्री जी विशेष रूप से सराहना करता हूं। किसानों को इस फैसले का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ चर्चा करके एक पुख्ता व्यवस्था विकसित करेगी। सब्जी और फल पैदा करने वाले किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स एक कारगर कदम साबित होने वाला है। हमने देखा है किस तरह दूध के क्षेत्र में अमूल ने दूध उत्पादक किसानों को उचित दाम दिलवाया। हमारे देश में किसान जो सब्जी पैदा करता है, फल पैदा करता है, उनको भी इस नए हमारे कदम से बहुत लाभ मिलने वाला है। हमारे देश में उद्योग के विकास के लिए एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, और इससे हम सब परिचित हैं। अब देश के अलग अलग जिलों में कृषि से संबंधित वहां के उत्पादों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्लस्टर अप्रोच के साथ हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। देश के अलग अलग जिलों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को उसको ध्यान में रखते हुए उन जिलों की एक पहचान बनाकर उस विशेष कृषि उत्पाद के लिए स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, इसकी व्यवस्था विकसित करने की योजना का मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि हमने मालूम है कुछ जिले होते हैं आलू पैदा करते हैं, कुछ जिले हैं प्याज पैदा करते हैं, कुछ जिले हैं कॉटन पैदा करते हैं, तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना ये बड़ा व्यवहारू कदम है। हमारे देश में
कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इनकम टैक्स में छूट है, लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओ जो आज देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, किसानों के संगठन के द्वारा चल रहे हैं, लेकिन इनको ये लाभ नहीं मिलता था। अब जो लाभ कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है वो लाभ इनको भी मिलेगा, और इसलिए किसानों की मदद के लिए जो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ को इनकम टैक्स में सहकारी समितियों की तरह ही छूट देने का निर्णय बहुत प्रशंसनीय है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की मदद के साथ ऑर्गेनिक, एरोमेटिक, हर्बल, जो हमारे यहां वैद्य लोग जो जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, इनकी खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसी तरह गोबर धन योजना, गोबर मलमूत्र पशु का, गोबर धन योजना गांव को स्वच्छ रखने के साथ साथ किसानों एवं पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी बहुत बड़ी मदद करेगी। हमारे यहां किसान खेती तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ उससे जुड़े और भी अलग अलग व्यवसाय करता है। कोई मछली पालन करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई पोल्ट्री फार्म चलाता है, कोई मधुमक्खी का पालन करता है। ऐसे अतिरिक्त कामों के लिए बैंकों से कर्ज लेने में किसानों को कठिनाई होती रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा अब मछली पालन और पशुपालन के लिए भी लोन की व्यवस्था किया जाना एक बहुत दूरगामी प्रभावी कदम है। भारत के 700 से अधिक जिलों में करीब करीब 7000 ब्लॉक कहो या प्रखंड कहो, ऐसा अपना व्यवस्था है। इन ब्लॉक में लगभग 22000 ग्रामीण व्यापार केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, नवनिर्माण और गांवों से और किसानों से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर एक बड़ा ही अग्रेसिव कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा जोर लगा हुआ कार्यक्रम हाथ में लिया है। आने वाले दिनों में ये केंद्र किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के ये नया ऊर्जा केंद्र के रूप में उभर करके आएंगे। वो अगल बगल के 5-7 गांवों की अर्थनीति को खींच ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब गांवों को सिर्फ गांव के किनारे तक जोड़ना ऐसा नहीं, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए इन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क को ग्रामीण हाट हो, वहां कोई उच्च शिक्षा का केंद्र हो, वहां कोई अस्पताल हो, वहां पंचायत का घर हो, इन सब के साथ अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को गांव के इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बना करके विकसित किया जाएगा। इस वजह से गांव के लोगों का जीवन और आसान होगा। हमने ईज ऑफ लिविंग की भावना का विस्तार उज्ज्वला योजना में भी देखा है। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला सक रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। मुझे खुशी है
कि इस योजना का विस्तार करते हुए अब इसके लक्ष्य को 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ परिवार कर दिया गया है। इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर देश के दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े समाज के लोग हो, उन्हीं को मिल रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए इस बजट में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमेशा से निम्न मध्यम वर्ग और गरीब के जीवन की एक बड़ी चिंता रही है, बीमारी में क्या करना, बीमारी का इलाज। बजट में प्रस्तुत की गई नई योजना आयुष्मान भारत, इस आयुष्मान भारत योजना समाज के इन सभी वर्गों को, जिसको हम कहें दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, गरीब, निम्न गरीब, मध्यम वर्ग, इन सबको बीमारी की जो आफत आ जाती है उससे मुक्ति दिलाने की, उसे चिंता कराने की, चिंता से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा कदम है। इस योजना का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलने वाला है, यानी करीब करीब 45 से 50 करोड़ नागरिक इसके लाभार्थी बनेंगे, इसके दायरे में आएंगे। इन परिवारों को चिन्हित अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकारी खर्चे पर शुरू की गई यह दुनिया की, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, सरकारी खर्च से शुरू की गई यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना है, हेल्थ केयर योजना है। देश की सभी बड़ी पंचायतों में लगभग 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना का करने का कदम भी बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे गांव में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होगी। देश भर में 24 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को इलाज में सुविधा तो बढ़ेगी ही, साथ साथ युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी आसानी होगी। हमारा प्रयास है कि देश के हर 3 संसदीय क्षेत्रों के बीच, 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज अवश्य हो। इस बजट में सीनियर सिटीजन्स, उनकी अनेक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अब सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपए तक की राशि पर कम से कम 8% का ब्याज प्राप्त करेंगे। ब्याज कम अधिक होने का असर उन पर नहीं होगा। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए उनके धन पर 50,000 रुपए तक के ब्याज अगर उनको मिलता है, उनकी कमाई होती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
इतना ही नहीं, स्वास्थ्य बीमा के 50,000 रुपये तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। वैसे ही गंभीर बीमारियों के इलाज पर 1,00,000 रुपये तक जो खर्च होगा तो खर्च पर इनकम टैक्स से भी राहत दी गई है। लंबे अरसे से हमारे देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसको हम एमएसएमई के रूप में जानते हैं, बड़े बड़े उद्योगों से भी ज्यादा दर इन एमएसएमईज को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इस बजट में सरकार ने एक साहसपूर्ण कदम उठाते हुए सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एसएमई के टैक्स रेट में 5% की कटौती कर दी है। अब इन्हें 30% की जगह 25% टैक्स देना पड़ेगा। एमएसएमई उद्योगों को आवश्यक पूंजी मिले, आवश्यक वर्किंग कैपिटल मिले, इसके लिए बैंक एवं एनबीएफसी के द्वारा ऋण की व्यवस्था को और आसान कर दिया गया है। इस प्रकार मेक इन इंडिया के मिशन को भी एक नई ताकत मिलेगी। बड़े उद्योगों में एनपीए के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग तनाव महसूस कर रहे हैं। किसी और के गुनाह की सजा छोटे उद्यमियों को नहीं मिलनी चाहिए, और इसलिए सरकार बहुत ही जल्द एमएसएमई सेक्टर में एनपीए